नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गोयल स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल रॉकिंग मोदी केयर क्लब में। दोस्तों, आज की हमारी आउटडोर शूटिंग का जो राज है बहुत ही बड़ा है। आज जो मैंने सपना देखा था मोदी केयर में आने के बाद, आज वो सच होने जा रहा है और मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने वाली हूँ बेलनो टॉप मॉडल जेटा गाड़ी उनके बर्थडे पर। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है दोस्तों। जो ड्रीम मैंने देखा था आज से 6 महीने पहले, एक ऐसे ही शोरूम पे हम गए थे, ऐसे ही शोरूम पे कार सेलिब्रेशन चल रहा था और मैंने ये ड्रीम देखा था, तो वो ड्रीम आज मैं पूरा करने वाली हूँ। और मेरे साथ साथ मैं आपको भी वो ड्रीम फील कराना चाहती हूँ कि उस सपने को जब मैंने जिया तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्सा के शोरूम पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्सा का शोरूम जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के जस्ट बिल्कुल बगल में, और यहाँ से हम आज अपने सपनों की गाड़ी लेने जा रहे हैं। दोस्तों, जो सपनों की गाड़ी मैंने सोची थी, कभी इमेजिन की थी, आज उसको मैं आपको फील एंड टच करके दिखाऊंगी कि कैसा लगता है जब हमारे सपने पूरे होते हैं, कैसा महसूस करते हैं हम, तो उसकी सेलिब्रेशन में आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है मेरी सपनों की गाड़ी बेलेनो जेटा, जो आज मैंने यहाँ से ली है। दोस्तों, मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से जब मैंने इसके स्टीयरिंग पे हाथ रखा तो किस तरह से मुझे वो फील हुआ, किस तरह से मैंने मेरे सपने पूरे किए हैं, किस तरह से मेरे बच्चों ने, मेरी मेहनत के पीछे मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का क्या सपोर्ट मुझे रहा, जिसकी वजह से आज ये ड्रीम कम ट्रू हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं अब पहुँच चुकी हूँ मेरी सपनों की गाड़ी के अंदर, बैठी हूँ यहाँ पर और आपके साथ शेयर करूँगी अपना। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे हमारे सपनों की कि सपने क्या होते हैं। सपने वही होते हैं दोस्तों जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम नींदों में देखते हैं। दोस्तों, यही बात दिमाग में थी, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही थी, तो आज उसी जर्नी की आपसे शेयर करूंगी किस तरह से इन ड्रीम्स को मैंने पूरा करने की हिम्मत जुटाई, कैसे वो ड्रीम एक एक करके पूरे होते चले जा रहे हैं, तो आज उस सबके बारे में आपको मैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों की। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्रीम। आज मैं बैठी हूँ मेरी ड्रीम कार में, वो कार जो मेरा सपना था, जो आज से 7 महीने पहले मैंने सपना देखा था, वो आज मैंने यहाँ से अचीव किया है। दोस्तों, ये जो मेरा सपना था ना, वो हर एक हाउसवाइफ का सपना हो सकता है, वो हर हाउसवाइफ पूरा कर सकती है। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ मेरी वो जर्नी, जिस जर्नी को मैंने पूरा किया और जिस जर्नी पे चलकर मैंने आज ये ड्रीम कार अचीव की है। दोस्तों, जब आज इस शेयरिंग पे हाथ रख रही हूँ ना, तो दिल कांपता है उन दिनों को याद करके कि मैंने इसको पाने के लिए क्या क्या किया था। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज मेरे सपनों के बारे में। आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सपने क्या होते हैं। दोस्तों, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो नहीं होते दोस्तों जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस जर्नी की शुरुआत हुई आज से 18 साल पहले। शादी से पहले एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। पापा एक जॉब में थे, भाई अब तो बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस का हाल भी हम सबसे नहीं छुपा। तो घर में हमेशा हर चीज़, एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम आज से 18 साल पहले पीछे जाए तो देखेंगे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो जाता था, लेकिन अगर लड़की को नौकरी करनी है तो उसे कहा जाता था कि दूसरे घर जाके करना, उनकी इच्छा हो तो करना। फैशन डिज़ाइनिंग बाय प्रोफेशन, फैशन डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। उससे पहले साइंस साइड से 12th पास की थी। अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ऑफिस मैनेजमेंट किया था, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग मुझे आया करती थी, लेकिन जॉब की इजाज़त नहीं थी। शादी हुई, अगेन एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी हुई। हस्बैंड बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, हमेशा सपोर्ट किया, पढ़ने का बहुत शौक था। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद पूरी करी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मेरी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं कर पाई। जॉब करना चाहती थी पर कभी कर नहीं पाई, क्योंकि डर लगता था जॉब करने से कि वहाँ पर जो 8 घंटे की ड्यूटी है ना, वो मैं नहीं कर सकती। बेटी बहुत छोटी थी तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती, कि उसको कौन देखेगा पीछे से, उसको मेरी ज़रूरत होगी तो कैसे वो मैनेज करेगी। तो ये सारी चीज़ें, बातें मन में खलती थी। धीरे धीरे टाइम कटने लगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया। कुछ ना कुछ हमेशा लाइफ में सर्च कर रही थी जिससे मुझे तसल्ली हो, कभी हस्बैंड के आगे ना हाथ ऐसे ना करना पड़े, और वो मैं अगर हाथ ऐसे करूँ तो वो मना ना कर पाए, तो वो फीलिंग हमेशा मन में रहती थी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है अगर वो मना करते हैं। तो एक हाउसवाइफ कभी भी हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती दोस्तों, वो चाहती है कि जब उसके हस्बैंड को ज़रूरत हो ना, तो वो उसको ऐसे उनको दे सके,
कभी उनसे मांगना ना पड़े। तो इस सपने के साथ कुछ ना कुछ तलाश रही थी, बहुत अपॉर्चुनिटी तलाशी करी भी, बहुत सारी चीज़ें की लाइफ में, सक्सेस भी मिली, अनसक्सेसफुल भी रही, लेकिन कभी हारी नहीं। ड्रीम कभी छोटे नहीं हुए, जो ड्रीम्स देखती थी वो पूरे नहीं हुए, ज़रूरतें पूरी हो रही थी। आज से 8 साल पहले एक बिज़नेस शुरू किया, उसमें कुछ डाउनफॉल आया जिसकी वजह से वो बिज़नेस मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया उसको करना, क्योंकि बिज़नेस से हाल नहीं छुपा। हस्बैंड की बात करूँ तो कार डीलर हैं, कार सेल परचेज का बिज़नेस है, लेकिन ज़रूरतें तो पूरी हो रही थी दोस्तों, खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें जो हमें टाइम के हिसाब से पूरी करनी पड़ती थी, अपने जो खर्चे थे उनसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। और इसी सब के चलते मोदी केयर मिला मुझे वरदान के रूप में। दोस्तों मोदी केयर मिला आज से पूरा 2 साल पहले, 14 जुलाई को मोदी केयर में ज्वाइन की थी। फेस से शुरुआत की, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा प्रोडक्ट पे, सपना देखा। पहला सपना था यहाँ से डोमेस्टिक ट्रिप, तो वो डोमेस्टिक ट्रिप मैंने यहाँ से अचीव की, जो थी गोवा। आज से 1 साल पहले गोवा होके आई, जहाँ पानी के बॉटल का खर्चा नहीं लगा। लग्जूरियस ट्रीटमेंट, वहाँ पता चला कि उस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम, कंपनी का लग्जूरियस लाइफस्टाइल, कंपनी जो कह रही है वो हमें दे रही है, तो सपने और बड़े हो गए दोस्तों। वहाँ से विजन लेकर आई कि अब कुछ करना है, और कुछ करने का तो हमेशा से ही मन में ठान ही रखा था। देखते हैं कंपनी कहती तो बहुत है कि फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, क्या सच में मिलते हैं? तो यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव किया, अपनी एक डाउनलाइन के साथ अचीव किया, तो विश्वास दुगना हो गया और दृढ़ हो गया कि करना है तो मोदी केयर, नहीं तो कुछ नहीं करना। तो बस जुनून से लग गई, पागलपन दोस्तों जो कहते ना, बिल्कुल एकदम जंगलियों की तरह लग जाना, दिन रात सुबह शाम कुछ ना देखना, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर ही सपने में आता था। और मोदी केयर उठते बैठते सोते बच्चे भी कहते थे, मम्मी क्या हो गया, सिर्फ मोदी केयर की बात करती हूँ। तो जुनूनी तरीके से मोदी केयर किया, और उसके बाद ड्रीम लिया आज से 7 महीने पहले कि एक ड्रीम कार यहाँ से अचीव करनी है। दोस्तों हो सकता है ये ड्रीम कार ना हो, लेकिन एक हाउसवाइफ, एक सिंपल होम मेकर जो सिर्फ और सिर्फ घर चलाती है, वो 8 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर रही है उनके बर्थडे पर, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए वो ड्रीम कार के समान ही है। आज तक हस्बैंड ने गाड़ी में घुमाया है, आज तक हस्बैंड गाड़ी लेकर आए हैं, लेकिन मेरी खुद की कमाई से गाड़ी मुझे, मैंने उन्हें गिफ्ट करी, तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। दोस्तों इस सब में बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारी चीज़ें थी, अपलाइंस का बहुत सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर बात करूँ कि फैमिली सपोर्ट की, तो वो 100% मिला। मेरे बच्चों ने बहुत बार अपने लंच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत बार अपने डिनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कि कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खुद बनाया। बच्चे स्कूल से आते थे तो उन्हें लगता था यार मम्मी नहीं है घर में, अब मुझे खुद से भरोसना पड़ेगा, लेकिन उनकी तरफ देख के लगता था उनके लिए ही तो कर रही हूँ। और आज वो मैंने कर दिखाया दोस्तों, आज जो ड्रीम कार की मैं बात कर रही हूँ, आज मैं उस ड्रीम कार में बैठी हूँ। आज सुबह से यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा था, मेरे सब गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ था, और आज ये कार मैंने अचीव कर ली। दोस्तों मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। एक ऐसी होम मेकर जिसे कि 2 लोगों के सामने बोलने में भी घबराती थी, लेकिन आज आपके सामने पूरी वीडियो पे वो बोल रही है, अपना ड्रीम शेयर कर रही है। अपने सपने को लिख दो, जुनूनी तरीके से लग जाओ, फिर पूरी कायनात भी आपके लिए लग जाएगी कि जो आपको चाहिए वो दिला के रहेगी। दोस्तों खुद से कमिटमेंट लिया है, आज ये 8 लाख की गाड़ी को 8 लोगों के ड्रीम में बदलना है। अगले 2021 में, आज अगर हम बात करें, 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2020 है, 5 अगस्त 2021 में 8 गाड़ी अपनी टीम में लेकर आनी दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एंड में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने सोच लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। सिर्फ लिख दो, डेट लिख दो, कैसे होगा वो कायनात पे छोड़ दो, सिर्फ आपको जुनूनी तरीके से मेहनत करनी है। ये वो सिस्टम है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ देगा। सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने की देर है, आपके कमिटमेंट की देर है। आपको सोचना है, आपको पहला कदम बढ़ाना है। आप एक कदम चलोगे और 4 कदम आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है चलने के लिए। जिसने आज आपको ये वीडियो शेयर करी है, उसको उससे ज़रूर पूछे कि सर मेरा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है, या मैम मेरा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे सभी गुरुओं को, सभी अप्लाइंस को, किरण को, मानसी मैम को, तृप्ता मैम को, मोनिका मैम को, चंचल मैम को, निकिता मैम को, नितिका मैम को, शोभा मैम को, सबको तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोदी केयर, और लास्ट में जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी बनाई, समीर सर को, समीर सर बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आपने ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम हाउसवाइफ्स के लिए बनाई है। थैंक यू सो मच।